अगर सुना जाए तो ये होता है कि हमारे जो दिल में होता है हम वो जुबान पे ला देते हैं, तो कोई उनको कमी समझता है या कुछ समझता है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो सुना है आप राजनीति में जाने के इच्छुक हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा आपको पसंद है? एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टेड था, मैं बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जी, और मैं बीजेपी ही सोचता हूँ। लेकिन इस बार जब मैं दिनेश जी के साथ प्रचार किया 2-3 महीने, तो राजनीति से मेरा मोह भंग हो गया। क्यों? मुझे लगा कि हम राजनीति करने के लिए नहीं पैदा हुए। मैं क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हूँ, और अगर मैं राजनीति में रहूंगा तो शायद मेरा मर्डर हो जाए, मेरी हत्या हो जाए। पॉसिबल हो सकता है सब। अब पूरा फोकस डाल दिया कि एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, इन सब में पूरी जिंदगी गुजारनी है अपनी। वाओ, अच्छी बात है ना, हमारा एक स्टार तो यहाँ पे रहेगा। ओके, क्योंकि सारे चले गए। खेसारी जी बचे हुए हैं अभी, कौन जी, पवन जी ने, सॉरी, ये दोनों चले जाएंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो भी सोचते हैं कि मुझे बनना है, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। आप गाने के भी शौकीन हैं और अच्छा गाते भी हैं, तो कभी प्रोफेशनली क्यों नहीं आजमाया आपने? मैंने बहुत लोगों ने मुझे कहा, और मुझे लगा कि क्या करूं, अभी जो कर रहा हूं वही कर लूं। लेकिन मैं अपने थिएटर में, मेरा नाटक ग्रुप है, तो मैं उसमें गाते गाते मैं गा लेता हूं। फिलहाल अभी मैं कुछ एल्बम की तैयारी में हूँ, गजल और कुछ कव्वाली मैं निकालने वाला। अच्छा, हमें भी बताइएगा, मुझे भी बताइएगा। हम भी आ जाएंगे आपके पीछे पीछे कवाली गाने। आपको पता है आपकी फिल्म